Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Research Mentor. I Dr. Nidhi Arora Kumar. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेटिंग स्केल्स की. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेजरमेंट स्केल्स की, जिसमें चार स्केल्स की हमने बात की थी, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. उसके पे एक मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आप ये मेजरमेंट स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिंग स्केल्स की. कुछ रेटिंग स्केल्स होते हैं, कौन कौन से रेटिंग स्केल्स होते हैं, राइट. और जैसे बहुत सारे रेटिंग स्केल्स होते हैं, जैसे आज हम जिन रेटिंग स्केल्स की बात करेंगे उनमें है डाइकोटोमस स्केल्स, कैटेगरी स्केल, फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल्स, रिकर्ट स्केल, न्यूमेरिकल स्केल एंड स्टेपल स्केल. ये सारे स्केल्स जो हैं ये रेटिंग स्केल्स होते हैं, इनमें हम रेटिंग करते हैं. पहले हम शुरुआत करते हैं डाइकोटोमस स्केल्स के. डाइकोटोमस ये स्केल्स जो है वो रिस्पॉन्स लेता है यस और नो के आंसर में, मतलब दो ऑप्शंस दे देता है ये, उसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है, राइट. जैसे कैटेगरीज बना दी, उस कैटेगरीज में से आपको चूज करना है. नॉमिनल स्केल पे जो भी होता है, जो भी हमारा वेरिएबल जिसे भी हमने नॉमिनल स्केल पे लिया है वो डाइकोटोमस पे आ जाएगा. क्यों? नॉमिनल स्केल क्या होता है, वो स्केल जिसमें हम कैटेगरीज बनाते थे, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ. जैसे कि अगर मैं पूछती हूँ आर यू हैप्पी विद योर जॉब, यस और नो, दो ही ऑप्शंस हैं, मतलब पता नहीं वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, देन दैट इज डाइकोटोमस स्केल, इधर यस और नो. व्हाट इज योर जेंडर, मेल और फीमेल, इसमें मैंने थर्ड ऑप्शन नहीं दिया है, ऑल्दो थर्ड ऑप्शन हो सकता है, बट यू हैव टू चूज वन, मेल और फीमेल. दिस इज डाइकोटोमस स्केल, जिसमें आप दो ऑप्शंस दे देते हैं और उसमें से किसी एक ऑप्शन को जब चूज करना होता है तो उसे हम बोलते हैं डाइकोटोमस स्केल, ठीक है. तो दूसरा स्केल होता है कैटेगोरिकल स्केल. कैटेगोरिकल स्केल क्या होता है, जिसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं, राइट, और उसमें से हमें कुछ एक एक को चूज करना पड़ता है. ये भी नॉमिनल स्केल पे होता है कि मान लीजिए मैंने कह दिया, आपने कहा कि आप दिल्ली में रहते हैं, एंड आई आस्क्ड वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, लाइक ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने एरिया वाइज कि मेरा एरिया कौन सा पड़ता है, राइट. जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का. आई यू आर फिलिंग अप अ फॉर्म, आप एक फॉर्म भर रहे हैं जिसमें आपको अपनी प्रेजेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लग रही है, लिखनी है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप ये डॉक्टरेट हैं या उससे भी आगे आपने कुछ किया हुआ है, समथिंग एल्स, तो यू हैव टू चूज वन, ठीक है. अगर आप पीएचडी हैं, आप डॉक्टरेट हैं, तो मतलब उससे पहले वाला आपने सब किया हुआ है. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो हम ये मान के चलते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं ही तभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. तो दिस इज कैटेगरिकल स्केल कि मल्टीपल आइटम में से आपको एक सिंगल रिस्पॉन्स चूज करना पड़ता है. ये भी हम नॉमिनल स्केल्स जो है जहाँ पे हम कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं उसमें से हम चूज करते हैं, राइट. तीसरा स्केल जो रेटिंग स्केल होता है वो है लिकर्ट स्केल. लिकर्ट स्केल क्या होता है, लिकर्ट स्केल डिजाइन किया जाता है इस तरह से कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो पॉइंट है किसी एक स्टेटमेंट पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कितना एग्री या डिसएग्री करता है, राइट. इसमें हम लिकर्ट स्केल में क्या करते हैं, हम जो क्वेश्चन दे देते हैं उसके साथ एंकर्स लगा देते हैं. एंकर्स का क्या मतलब है, जैसे एग्री, एग्री, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री एंड डिसएग्री. तो ये एग्री, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री और डिसएग्री ये मेरे एंकर्स हो गए. तो एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और आपको इस उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए तीनों में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा. लिकर्ट स्केल जो है वो हमेशा ऑड नंबर पे करते हैं, यानी कि 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल हो सकता है, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल हो सकता है, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल हो सकता है, 9 पॉइंट लिकर्ट स्केल हो सकता है, राइट. अगर ऑड नंबर वाला स्केल, लिकर्ट स्केल जो है वो बैलेंस्ड स्केल माना जाता है. इवन नंबर वाला लिकर्ट स्केल बैलेंस्ड स्केल नहीं होता,
होता है, और लिकर्ट स्केल जितना उसका बढ़ता जाएगा, मान लीजिए 7.9 पॉइंट, उतना ही उसमें अनस्टेबिलिटी आती रहती है. तो 3.5 पॉइंट स्केल्स जो है वो नॉर्मली यूज होते हैं लिकर्ट में, राइट. लिकर्ट स्केल जो है वो इंटरवल स्केल पे, मतलब जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस किसी वेरिएबल पे परफॉर्म करना चाहती हूँ तो वहां मैं लिकर्ट स्केल को यूज कर सकती हूँ, राइट. जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास एक क्वेश्चनेयर है जिसमें मैं स्ट्रेस लेवल को मेजर कर रही हूँ. आई वांट टू चेक कि स्ट्रेस जो है वो कितना है एम्प्लॉयज में ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो अगर मैंने क्वेश्चन किया, आई गेट अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, ठीक है, मुझे अनरियलिस्टिक डेडलाइन मिलती है. तो मैंने उसमें आपको 5 ऑप्शन दे दिए, ट्रू टू ऑलमोस्ट नो एक्सटेंट, बिल्कुल सच नहीं है, ट्रू टू स्मॉल एक्सटेंट, कभी कभी ऐसा हो जाता है, नॉट एट ऑल ट्रू, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट. ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अक्सर ऐसा होता है, ट्रू टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, हमेशा ही ऐसा होता है, आई गेट दी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस. तो इसमें से मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब ये अक्सर ऐसा होता है कि अनरियलिस्टिक डेडलाइंस मिलती है. तो दिस शोज कि जो इंसान है वो स्ट्रेस्ड है. अब जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं ना, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, नॉट एट ऑल, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री, उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कंसीडर करते हैं, उसे हम मानते हैं. उसे हम अगर मान लीजिए 0 से हमने डिनोट कर दिया, तो जो हमारा डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री वाला -1 -2 से कैलकुलेट कर लेते हैं, और एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री से 1 और 2 पे आ जाता है. तो दिस इज लिकर पॉइंट कि हम स्केलिंग कर रहे हैं. और नॉर्मली जब हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने होते हैं तब हम इंटरवल स्केल पे, जब हमें काम करना होता है तब हम लिकर्ट स्केल ले लेते हैं. दूसरी तरह का स्केल होता है रेटिंग स्केल्स में, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है? सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है, उसमें बाइपोलर एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, राइट. एंड रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू इंडिकेट देयर एटीट्यूड ऑन सिमेंटिक स्पेस. मान लीजिए मैंने इनसे आपसे कहा कि जो आपका एक्स हॉस्पिटल, आप किसी एक हॉस्पिटल में गए, उसका स्टाफ का रिस्पॉन्स कैसा था, कि वो बहुत रिस्पॉन्सिव था या अनरिस्पॉन्सिव था. अब देखिए, रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव मैंने जो है वो बाइपोलर एट्रीब्यूट्स दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही बाइपोलर एट्रीब्यूट्स दिए हैं जैसे डाइकोटोमस स्केल में दिए थे. उसमें से मुझे किसी एक को ही चूज करना था, ठीक है. बस इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, इसमें मैंने बाइपोलर एट्रीब्यूट्स जरूर दिए हैं, राइट. एंड मैंने कहा है कि आपको जो है एटीट्यूड को, ये जो सिमेंटिक स्केल देखिए 1 2 3 4 5 जो 6 स्पेसेस दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक पे रेट करना है. मान लीजिए आपने यहाँ रेट कर दिया 4 पे, ठीक है. तो जो रिस्पॉन्स है, जो स्टाफ है, वो ग्रेटर एक्सटेंट तक अनरिस्पॉन्सिव है. या अगर आपने इस एक को चूज कर लिया रिस्पॉन्सिव वाली साइड पे, तो द स्टाफ वॉज अप टू ग्रेटर एक्सटेंट बहुत रिस्पॉन्सिव था, वो रिस्पॉन्स कर रहा था हमारी क्वेरीज को. या अगर मैंने बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव वाली पे सिलेक्ट कर लिया, उस वाले स्केल पे यहाँ पे आके टिक कर दिया लास्ट वाले पॉइंट पे, दिस शोज दैट स्टाफ वॉज अनरिस्पॉन्सिव. तो ज्यादा आपका झुकाव अनरिस्पॉन्सिव की तरफ है. तो ये होता है हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल. तीसरा रेटिंग जो, I'm sorry, तीसरा नहीं, अगला जो रेटिंग स्केल होता है वो है न्यूमेरिकल स्केल. न्यूमेरिकल स्केल क्या होता है? ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, इसमें हम नंबर प्रोवाइड्स कर देते हैं, ठीक है. बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स इसमें भी होते हैं बोथ हैंड पे, सिमेंटिक और डाइकोटोमस की तरह. डाइकोटोमस में हमें बाइपोलर ऑब्जेक्टिव है किसी एक को चूज करना है, सिमेंटिक में हमने डैश 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 दे दिया कि आप किसी एक डैश पे लगाएंगे तो वी कैन कैलकुलेट कि किसका ये किस तरफ झुकाव है, राइट. न्यूमेरिकल स्केल पे क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है, मैं नंबरिंग कर देती हूँ 7 6 5 4 3 2 1 की, एक्सट्रीमली प्लीज्ड और एक्सट्रीमली डिसप्लीज्ड. अगर आपने 7 को चूज किया, दिस शोज यू आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड. अगर आपने नंबर 1 को चूज किया, तो दिस शोज यू आर एक्सट्रीमली डिसप्लीज्ड, राइट. मान लीजिए आपने 4 को चूज कर लिया, तो आपका जो है आप न्यूट्रल है, नीदर प्लीज्ड नॉट डिसप्लीज्ड. तो यहाँ पे न्यूमेरिक स्केल सिमेंटिक स्केल की तरह होता है, सिर्फ हम उसमें इंटरवल्स उसमें जो है नंबरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, पॉइंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, 5 पॉइंट और 7 पॉइंट जो भी हमें प्रोवाइड करना होता है लिकेट स्केल की तरह. ये भी हम जो है इंटरवल स्केल, जो भी हमारा वेरिएबल इंटरवल स्केल पे होगा वहां पे हम वो
ये न्यूमेरिक स्केल यूज कर सकते हैं। फिर अगला रेटिंग स्केल होता है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल क्या होता है, ये डायरेक्शन और इंटेंसिटी, एटीट्यूड के डायरेक्शन और इंटेंसिटी को मेजर करता है। ये भी कोई भी वेरिएबल जो इंटरवल स्केल पे है हम स्टेपल स्केल पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम नॉर्मली रेंज देते हैं -3 to +3 की, मतलब हम तीन वेरिएबल्स लेते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि आप अपने, आपका एक एग्जांपल है कि आप अपने लीडर की एबिलिटी, जो उसका इनोवेशन एबिलिटी है, इनोवेटिव एबिलिटी है, उसे आप कहाँ तक रेट करते हैं कि आपका लीडर ऐसा है जो बहुत इनोवेटिव है, जो हर बार कुछ नया सीखना सिखाना और करना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स के साथ, या वो वैसा लीडर है जो कहता है जो हमारे पुश्तों से चला आ रहा है, हम बिल्कुल उसी ढंग से काम करेंगे। तो आप उसे अपने लीडर को इनोवेशन के स्के इनोवेटिव स्किल्स को, अपने लीडर की इनोवेटिव स्किल्स को कहाँ पे रेट करते हो, 0 -3 से लेके +3 के बीच में, राइट? अगर आप +3 करते हो इट मींस ही इज वेरी इनोवेटिव, -3 करते हो मतलब वो इनोवेटिव नहीं है, वो बहुत ही पुराने तरीके से काम करने वालों में से है कि जो चलता आ रहा है उसे वैसे करने दीजिए। तो ये स्टेपल स्केल होता है, ये भी एटीट्यूड को मेजर करता है। इंटरवल स्केल पे जो वेरिएबल होगा उसी से हम मेजर करेंगे, राइट? नेक्स्ट जो होता है वो होता है फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल। इसमें क्या होता है फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल में, फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल में जो रिस्पोंडेंट है उन्हें एक पॉइंट्स दे दिए जाते हैं अबाउट दी आइटम्स, और आपसे कहा जाता है कि आप जो है आइटम को मार्क्स दीजिए, ठीक है? आप उन क्वालिटीज, आपने एक आइटम खरीदा, मान लिया आप साबुन की बात कर रहे हैं और आपको कहा गया कि आपको जो है 100 पॉइंट्स पूरे करने हैं, और उन 100 पॉइंट्स में आप कितने प्राइस को मार्क्स देते हैं कि ये जो सोप है उसका प्राइस जो है वो वाजिब है या नहीं है, उसके प्राइस के हिसाब से आप उसे किस कितने मार्क्स देंगे। अच्छा, इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कैमरा खरीदा है, तो कैमरा जो है वो प्राइस के हिसाब से ठीक है या नहीं है, उसका रेजोल्यूशन कैसा है कैमरा का, डिम लाइट में वो कैसे परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करता है तो आप कितने मार्क्स देंगे, या खराब करता है तो आप उसे कितना मार्क्स देना चाहते हैं, उसका वेट कोई हैवी तो नहीं है कि उसे कैरी करना ही बल्की है, कैरी करना मुश्किल है। तो आपको इन्हें पॉइंट्स देने हैं, और इस तरह से पॉइंट्स देने हैं कि जब वो कैलकुलेट हो तो उनका 100 बन जाए। मान लीजिए मैं इस पर मार्क्स देना शुरू करती हूँ, प्राइस को मैं कहती हूँ कि प्राइस पे मैं 30 मार्क्स देती हूँ, राइट? और 20 मैं रेजोल्यूशन पे देती हूँ, रेजोल्यूशन इज नॉट गुड, डिम लाइट पे जो है वो 10 मार्क्स हो गए, और वेट पे मैंने 40 मार्क्स दे दिए, ठीक है? कि वेट जो है बहुत लाइट वेट है, कैरी कर रही हूँ उसे पता ही नहीं लगता है। कैमरे में सबसे अच्छी बात मतलब यही है कि उसका वेट कम है, और प्राइस जो है वो भी ठीक ठाक है, पर थोड़ा और कम या ज्यादा कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको, आप जब सम टोटल करेंगे 40 और 1 50, 50 90 100 हो गए पूरे, ठीक है? तो हमारा जो सम टोटल आ गया वो 100 आ गया। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करवाती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कराती हैं, जैसे वेट पे मान लीजिए उन्हें पता है कि वेट पे 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो हम इसे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वेट में हमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। लेकिन डिम लाइट परफॉर्मेंस पे मार्क्स जो है, कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड है, तो हमें जो है डिम लाइट परफॉर्मेंस पे काम करना चाहिए। अब ये जो है ये हम किन पे करते हैं, कौन से स्केल पे हम यूज करते हैं, जो वेरिएबल ऑर्डिनल स्केल पे होते हैं। ऑर्डिनल स्केल का मतलब कैटेगरीज तो है ही, लेकिन हमने उनकी रैंकिंग भी की है। दिस इज हाउ वी रैंक्ड देम ना, कि नंबर 1 पे वेट की रैंकिंग ही है, नंबर 2 पे प्राइस रैंकिंग में आता है, थर्ड इज रेजोल्यूशन, एंड फोर्थ इज डिम लाइट परफॉर्मेंस, तो रैंकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम इनके रैंकिंग करते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा स्केल कहाँ पे किस कब यूज करना है। बहुत बार जो वाइवा लेने आते हैं वो पूछ लेते हैं कि आपने लिकर्ट स्केल क्यों यूज किया, नॉर्मली लोग लिकर्ट स्केल करते हैं, आपने फिक्स्ड कांस्टेंट सम क्यों नहीं यूज कर लिया, या फिर आपने
मान लीजिए सिमेंटिक डिफरेंशियल क्यों नहीं यूज कर लिया, तो यू शुड नो द रीजन कि क्या ऑर्डिनल स्केल पे था, इंटरवल स्केल पे था, क्या बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, जो अगर आपके बाइपोलर ऑब्जेक्टिव है तभी तो आप सिमेंटिक यूज करेंगे, अगर आपके बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तब आप लिकट यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं कहना है कि हाँ नेक्स्ट टाइम वो यूज कर लूंगा, गलती हो गई, यू शुड नो द रीजन। बहुत बार ये काम जो है वो कंफ्यूज करने के लिए भी किए जाते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।